अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। निकलो ब्रेसलेट कहां के मारा भैया? जाओ जाकर पहले उसके साइन लेकर आओ। जाओ। अरे मैंने कहा ना जाओ, सुनाई नहीं दे रहा? अब जब तक राणा के सिग्नेचर लेकर नहीं आते ना, तब तक लौट के मत आना इस घर में। काव्या, यही रुकोगी का? चलो चलो। अभी मैंने उसे कुछ कहा तो मेरा प्लान फेल हो सकता है। वो फोटो जानी पहचानी लग रही थी। हमें आपको कुछ सुनाना है राणा। अब जब तक राणा के सिग्नेचर लेकर नहीं आते ना, तब तक लौट के मत आना इस घर में। का खजूर, पहले तुम हमको बकैत लगती थी, आज प्रेरणा लग रही हो। तुम्हें बहुत जान है गुरु, अकेली लगी रही पर हमारे सामने सच ला के ही माने। हमको डीटमल कहती हो ना, अब हम भी हार नहीं मानेंगे। मेनका के सारे राज खोलेंगे। काश काश इस सब में तुम हमारे साथ होती। आप तो हमारे साथ थे ना राणा, फिर ऐसे क्या हो गया कि आपको हमसे इतनी नफरत हो गई? हमें बताइए तो सही कि आप मेनका का सच क्यों छुपा रहे हैं? आखिर आपने हमें खुद से अलग क्यों कर दिया? राणा अपने पर्स में किस आदमी की फोटो लेके घूम रहे हैं, और वो हमें देखा देखा क्यों लग रहा है? हमें पता लगाना होगा। जल्द ही सारे घर को तुम्हारी असली पता चलने वाली है मेनका। कल 15 अगस्त है, आजादी का दिन। भोलेनाथ ने चाहा तो कल ही हम अपने परिवार को तुम्हारे झूठों से और खजूर को उसके सवालों से आजादी दिलाएंगे। मेनका जी, आज बेड पे मैं सोऊंगा, सोफे पे तुम सोगी। वाह क्या बात है, इतने कपड़े तो मैं नहीं बदलती जितने तुम बदल रहे।
इतनी अय्याशी की क्या जरूरत है, जरा बताएंगे? कौन सी अय्याशी? साइन लेकर आए? धतूरा खा रही हो क्या? कौन सी अय्याशी, किसका साइन? शाहरुख खान के, अभी अभी कहा था मैंने। याद नहीं है? रौनक के साइन लाने के लिए कहा था मैंने तुमसे। मुझसे कहा था राणा का साइन लेकर आने? देखो तुम अब। ये क्या हो गया? इसका मतलब फोकर आया था और मैंने उसे भगा दिया। मैंने भी धक्का मारा। किसको? मीठी को। एक सेकंड, तुमने किसको भगाया? रे असली रौनक को। मतलब राणा और मीठी दोनों यही थे? या सुनो मेरी बात, वो दोनों अभी ज्यादा दूर गए नहीं होंगे। तुम अपने आदमियों को कॉल करो और उनके पीछे लगाओ। पैसे लगते हैं सबके, हैं? फ्री में नहीं करूंगा सब कुछ। जितना दे रही हूँ ना उतना काफी है तुम्हारे लिए, समझे? फोन करो। हाँ भैया, क्या हाल चाल? मिले नहीं इतने दिनों से। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हेलो, हाँ सुनो, बैठिए। अम्मा, मैं हलवा बना के आती हूँ। आया, रईसी जजती है तुम पे। चौकस करो। इस बार बेहोशी की दवाई यूज करनी पड़ी। जब तक तुम्हें होश आएगा तब तक बिना किसी दवाई के ये असली राणा तुम्हारे होश उड़ाने के लिए तैयार रहेगा। शुभरात्रि। आज इतना शुभ दिन है, आज तो हमारा मकसद पूरा करा ही देना गंगा मैया। क्या उन्हें अब तक नहीं मिले? अरे तो फोन काटो और ढूंढो उन्हें। मीठे और राणा का अब तक कुछ पता नहीं चला। मैं जानती हूँ दोनों अड़ियल को, वो दोनों दोबारा घर में घुसने की कोशिश जरूर करेंगे। और जैसे ही नजर में आए ना गोली मार देना। लेकिन राणा को नहीं, उससे अभी साइन नहीं लिए। ये क्या व्यवस्था है? खजूर भी यही है। अब पहले उसको ढूंढे कि मेनका के खिलाफ सबूत जुटाए। अरे खड़े खड़े सो रहे हो क्या?
जागे हुए हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्या है ना, पहली बार ऐसे इंसान से मिल रहा हूँ जो अपने पति को मारना चाहती है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा अच्छा। 10 करोड़ का सवाल है, इतने रुपए के लिए पति मीठी तो क्या, उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी मैं। इसीलिए तो मैंने राणा से शादी की थी और तुम पर इतने खर्चे किए, उसका चेहरा दिलवाया ताकि तुम मीठी को मेरे रास्ते में आने से रोक सको। अब अगर वो दोनों खुद ही नहीं रुकना चाहते तो मरने दो। स्मार्ट हो यार तुम। अरे वाह, ले लिया इंटरव्यू, जो काम कहा है वो करो, समझे? डोंट वरी लेडीज पर। यह सारा सबूत तुम्हारे खिलाफ नहीं का, तुम्हारा काम नहीं, काम तमाम करेंगे, उसके पहले खजूर ढूंढना पड़ेगा। खबरदार, उस मनोज का नाम लिया तो मीठे। मीठी और यहां कैसे को पकड़ के ले आई हो? पवन अभी तक सो रहा है, गधा घोड़े बेच के सो रहा है। क्या बकवास कर रहे हो, मैंने अभी तो उससे बात करके उसे भगवान फिर से सब कुछ असली रौनक के सामने बकवास कराई। हाँ वो इस वक्त यहीं पर है इस घर में। तुम लोग उस कुंभकर्ण को उठाओ, तब तक मैं सब कुछ संभाल के आती हूँ बाहर। हे भगवान मुझे कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए। हटो, जिसमें स्वाद ही आप अभी भी हमसे नाराज हैं, इसीलिए हम खुद को बेगुनाह साबित करके ही आपके सामने आएंगे। इतने दिनों बाद आप सबको कुछ खिलाने का मौका मिला है, इसीलिए आंख भर आए। मीठी थी तो हर मौके पर वही सबके लिए हलवा बनाती थी। दिव्या चख के बताना कैसा बना। मम्मा मुझे भी परफेक्ट है मम्मा, बिल्कुल मीठी भाभी के हाथ वाला टेस्ट है।
थोड़ी देर पहले मैंने चखा था तो इसका टेस्ट ऐसा नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे मीठी नहीं बनाया हो। काहे काहे वो लड़की का नाम लेके माहौल खराब कर रही है। ऐसा क्यों कह रही है अम्मा? आपने भी तो उस बच्ची को दिल से अपनाया था ना? पर उसने हमारे अपनेपन का मजाक बना दिया। मीठी का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। फाइनल। आप क्यों अपना मूड ऑफ कर रही हो मामा? माँ साहब का गुस्सा तो आपको पता ही है ना? और भी? माँ, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, पलो बना रही हूँ। चकाओगी नहीं? आजकल तो तुझसे बात करने में भी डर लगता है। समझ ही नहीं आता कि किस बात पे बरस पड़ेगा। सब समझ में आ जाएगा माँ, मैं बस थोड़ा सा टाइम दो और थोड़ा सा हलवा भी। ये तो खजूर ने बनाया। क्या? अरे मतलब टेस्ट वैसा ही है, वो यहाँ कहाँ से आएंगी? वो गंगा की धारा है, कहीं भी पहुंच सकती है दिव्या, और वो यहाँ आ चुकी है। मेनका या वो डुप्लीकेट उसे ढूंढे, इससे पहले हमको उस तक पहुंचना होगा। हम आते हैं माँ। रोना कहाँ है? चलो, सारी तैयारियां होगी। सुमन और बच्चे भी आ गए। माँ साहेब झंडा फहराएं। हजूर, नेशनल एंथम के वक्त कोई सच्चा हिंदुस्तानी मुंह नहीं छुपाता, बल्कि सर उठा के ऊंची आवाज में देश के अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देता है। अब कोई हमें देख ले तो देख ले, आज के दिन की इस परंपरा का अपमान तो हम मर के भी नहीं कर पाएंगे। ये मीठी कहाँ चली गई? खाना रेडी हो चुका है, सब लोग खाना खा सकते हैं। रेन बुक्कड़ों की भीड़ में तो मीठी खो ही गई।
राणा, पवन, पवन, पवन उठ। देखो उठ ही नहीं रहा है, अब क्या करें लच्छू के पापा? अभी उठाता हूँ। कान के नीचे बचानी चाहिए। सर डूंगरी से ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। अरे दामा जी जल्दी करिए, देखिए बच्चे कैसे चिल्ला रहे हैं भूख से। दिव्या मदद कर। मेनका, तुम्हारा सच आज सबके सामने आके ही रहेगा।